जम्मू कश्मीर के अंदर शिक्षा का परिदृश्य जो है वो चल रहा है। एजुकेशन सिनेरियो की अगर हम बात करें तो एजुकेशन सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन इंप्रूव्ड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्कूल्स, डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड पॉलिटेक्निक्स। अब ये जम्मू कश्मीर के अंदर नए स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, इन सभी चीजों की स्थापना के साथ शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के स्तर में जो है वो काफी ज्यादा सुधार आया है। The health infrastructure of Jammu Kashmir has also seen enormous growth in the past decade. जम्मू कश्मीर के अंदर शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य ढांचा जो है, स्वास्थ्य सेवाओं का जो ढांचा है उसमें भी काफी ज्यादा बदलाव जो है वो देखने को मिले हैं। The state has been continuously making efforts to improve health conditions. तो यहाँ पर सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं में सुधार जो है वो लाया जा सके। तो भैया बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर एजुकेशन सिस्टम की, शिक्षा प्रणाली की। एजुकेशनल डेवलपमेंट इन जम्मू कश्मीर बिगेन इन 1857, 1857 में जब महाराजा गुलाब सिंह के सुपुत्र और जम्मू कश्मीर में डोगरा साम्राज्य के दूसरे शासक महाराजा रणवीर सिंह जो है वो राज कर रहे थे, तो महाराजा रणवीर सिंह के शासनकाल में शिक्षा में सुधार जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ। ही एस्टेब्लिश्ड विद्या विलास प्रेस, द फर्स्ट प्रेस इन जम्मू कश्मीर, टू ट्रांसलेट बुक्स इन टू संस्कृत फॉर हिंदू मेल स्कॉलर्स टू स्टडी इन द फर्स्ट टू स्कूल्स बिल्ड इन जम्मू। तो उन्होंने भैया 1857 में विद्या विलास प्रेस से के नाम से एक प्रिंटिंग प्रेस जो है वो शुरू करी, और इस प्रिंटिंग प्रेस को ये काम दिया गया कि भैया सभी किताबों को जो है वो संस्कृत में उनका, जिसको हम अनुवाद कहते हैं, वो किया जाए, सो दैट, ताकि जम्मू कश्मीर के जो हिंदू छात्र हैं, विद्वान हैं, वो उसको जो है वो पढ़ सके। थर्ड स्कूल वॉज ओपन्ड इन 1874। तो दो स्कूल जो है वो इनिशियली बने थे, 1874 में तीसरा स्कूल जो है वो बना। सून ऑल थ्री स्कूल्स एक्सपेंडेड देयर करिकुलम टू इंक्लूड स्टडी ऑफ पर्शियन, इंग्लिश, संस्कृत, तिब्बतियन एंड लॉ। तो भैया जी जल्द ही तीनों स्कूलों में फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, तिब्बत और कानून के अध्ययन को शामिल कर लिया गया। द स्टेट इज मार्चिंग अहेड स्टेडिली ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड प्रॉस्पेरिटी। तो भैया आधुनिकीकरण और समृद्धि के पथ पर निरंतर राज्य जो है वो आगे बढ़ रहा था। एजुकेशन इन द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो प्राइमरी भैया पांचवीं कक्षा तक, मिडिल यानी कि आठवीं कक्षा तक, हायर यानी दसवीं कक्षा तक, हायर सेकेंडरी बारहवीं कक्षा तक, उसके बाद सनातन के लिए ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी। तो प्राइमरी, मिडिल, हायर स्कूल, हाई सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पर अलग अलग क्षेत्रों में स्टूडेंट जो है वो शिक्षा हासिल कर। प्राइमरी एजुकेशन की अगर हम बात करें, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, द स्कूल एजुकेशन जम्मू कश्मीर इज मेंटेन्ड बाय जम्मू कश्मीर एजुकेशन बोर्ड। तो जम्मू कश्मीर का जो शिक्षा विभाग है, जम्मू कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा स्कूल एजुकेशन को जो है कंट्रोल किया जाता है। 1970 में बनाया गया था ये जम्मू कश्मीर का शिक्षा बोर्ड। There are more than 15,000 schools in which state's boundaries. State के राज्य के सीमाओं के भीतर 15,000 से ज्यादा schools हैं। Hindi is the medium of instruction for schools in Jammu and Kashmir. तो भैया जी जम्मू कश्मीर के सभी स्कूल में हिंदी माध्यम से जो है वो शिक्षा जो है वो दी जाती है। Schools have also been set up in the remote villages of state, thereby giving boost to rural education in the। तो स्कूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ शहरों में ही नहीं, दूर दराज के गाँव में भी बनाए गए हैं, जिससे उन सभी क्षेत्रों में ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। About 2000 schools are run in the rural areas and state government authorities are trying to increase the number in order to eradicate illiteracy. राज्य में लगभग 2000 स्कूल जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, और राज्य सरकार के अधिकारी जो है वो निरक्षरता, इलिटरेसी को मिटाने के लिए लगातार संख्या को बढ़ाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। In addition, there are various केंद्रीय विद्यालय and Indian Army schools that also impart secondary level school education. These schools follow CBSE pattern, that is 10+2. जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे सेंट्रल स्कूल्स, जिनको केंद्रीय विद्यालय कहते हैं, तो केंद्र सरकार के जो स्कूल्स हैं ये रहते हैं, इनको सेंट्रल स्कूल या केंद्रीय विद्यालय के नाम से जो है वो जाना जाता है। भैया जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे सेंट्रल स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय जो है वो मौजूद है, और उन्हीं के साथ में बहुत सारे आर्मी स्कूल्स जो भी है वो मौजूद है। तो भैया ये केंद्रीय विद्यालय हो गए, ये आर्मी स्कूल्स जो है ये शिक्षा बांटने का काम जो है वो करते थे, और सीबीएसई करिकुलम को जो है वो फॉलो करते थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों काफी सारे स्कूल्स जो है वो यहाँ मौजूद हैं, जिसमें सरकार के स्कूल्स हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, आर्मी स्कूल्स हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जेके बोस के नाम से जाना जाता है, 1975 में इसको बनाया गया था। इसके लिए एक विशेष अधिनियम, जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एक्ट, जम्मू कश्मीर राज्य शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1975 जो है वो बनाया गया था। इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
ये एक स्वायत्त निकाय है जो जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के प्रशासन के अधीन काम जो है वो करता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए स्कूल्स हैं हर लेवल पे, गांव में, गली में, हर जगह स्कूल्स जो है वो खोले गए हैं। इन स्कूल्स को जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो नियंत्रित करता है। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या है भैया, हायर एजुकेशन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में उच्च शिक्षा कैसे काम करती है। जम्मू कश्मीर हैज सेट अप मेनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज टू इम्पार्ट हायर एजुकेशन टू यूथ इन द स्टेट। भैया अनडाउटेडली जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, विश्वविद्यालय है और बहुत सारे स्कूल्स है जहां पर युवाओं को शिक्षा जो है वो दी जाती है। जम्मू कश्मीर इज द ओनली स्टेट वेयर एजुकेशन इज फ्री अप टू यूनिवर्सिटी लेवल एज पर द सेक्टर सेक्शन 20 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 20 के अनुसार जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा जो है वो मुफ्त में बांटी जाती है। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल तक फ्री एजुकेशन जो है वो बांटी जाती है। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है क्योंकि जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 20 जो है वो कहती है कि भैया यूनिवर्सिटी लेवल तक फ्री एजुकेशन जो है वो दी जाएगी। स्टेट हैज सेवरल रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। राज्य के अंदर उच्च शिक्षा के कई प्रसिद्ध संस्थान है। देर आर सम गुड इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो भैया जी चिकित्सा हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, प्रबंधन हो गया, इन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए बहुत अच्छे संस्थान जो है वो मौजूद है। ठीक है जी। सम फेमस यूनिवर्सिटीज ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कुछ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, जम्मू कश्मीर के कुछ प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों की अगर हम बात करें तो दोस्तों बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे विश्वविद्यालय जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद। जम्मू कश्मीर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय माना जाता है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू का विश्वविद्यालय। तो भैया नाम से समझ आता है जम्मू के अंदर ये स्थित है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू विश्वविद्यालय। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1969 बाय जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटीज एक्ट। तो दोस्तों एक कश्मीर और जम्मू यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया जिसमें एक यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई गई, लेकिन 1969 में इसका बाइफर्केशन हो गया और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका विभाजन हो गया और वो जम्मू के लिए अलग यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू बन गई, कश्मीर के लिए अलग यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर बन। द यूनिवर्सिटी एडमिट्स, मेंटेन्स, रिकॉग्नाइजेस, एफिलिएट्स कॉलेजेस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। तो विश्वविद्यालय अन्य कॉलेजेस को जो है वो मान्यता प्रदान करता है। इट इज प्राइमरीली अ रिसर्च, टीचिंग, एफिलिएटिंग, एग्जामिनिंग बॉडी इन्वॉल्व्ड इन प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस एंड अदर ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। तो भैया शिक्षा के अलग अलग शाखाएं जैसे कला, विज्ञान आदि शाखाओं को बढ़ावा देने तथा शोध संबंधित कार्यों को करने के लिए जम्मू विश्वविद्यालय जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध। ठीक है जी। तो जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है जम्मू कश्मीर की। फिर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, कश्मीर का विश्वविद्यालय। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1969। इट इज सिचुएटेड इन हजरत बल इन श्रीनगर। तो श्रीनगर के हजरत बल में ये स्थित है। इट इज फ्लैंक बाय द वर्ल्ड फेमस डल लेक ऑन इट्स ईस्टर्न साइड एंड नागिन लेक ऑन इट्स वेस्टर्न साइड। तो भैया जी एक पूर्वी हिस्से में डल झील है और पश्चिमी हिस्से में नागिन झील है। द मेन कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, हजरत बल कैंपस, नसीम बाग कैंपस एंड मिर्जा बाग कैंपस सर्विंग द रेजिडेंशियल पर्पस। तो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो तीन हिस्सों में विभाजित है। एक है हमारा हजरत बल कैंपस, दूसरा है नजीम बाग कैंपस और तीसरा है मिर्जा बाग। मिर्जा बाग कैंपस के अंदर रहने के लिए आवासीय उद्देश्य से जो है वो बनाया गया। इट हैज एस्टेब्लिश्ड सैटेलाइट कैंपस। सैटेलाइट कैंपस यानी कि जो अपने मेन एरिया से थोड़े से दूर होते हैं। तो इट हैज एस्टेब्लिश्ड सैटेलाइट कैंपस एट अनंतनाग, इसको साउथ कैंपस के नाम से जाना जाता है जम्मू यूनिवर्सिटी का, बारामूला जिसको नॉर्थ कैंपस, एंड थ्री सैटेलाइट कैंपस एट कुपवाड़ा, कारगिल एंड लेह। तो भैया कश्मीर यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट सेंटर्स जो है वो अलग अलग जगह पे मौजूद है। कुपवाड़ा, कारगिल और लेह में ये सेंटर्स बनाए गए हैं इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश हायर एजुकेशन मोर एक्सेसिबल टू पीपल लिविंग इन रिमोट एरियाज ऑफ कश्मीर वैली। तो कश्मीर घाटी के दूर दराज के इलाकों में भी शिक्षा जो है वो पहुंचे इसके लिए कुपवाड़ा, कारगिल, लेह, बारामूला, अनंतनाग ऐसी जगहों पे जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जो हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी है उसके सेंटर्स खोले गए हैं। उसके बाद एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, स्कॉस्ट के नाम से इसको जाना जाता है, शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शेरे कश्मीर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, स्कॉस्ट जम्मू के नाम से। इट केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन 20 सितंबर 1999, 1999 20 सितंबर को यूनिवर्सिटी जो है शुरू हुई थी, फॉलोइंग द अमेंडमेंट इन शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 1980। यूनिवर्सिटी इज मैंडेटेड टू एड्रेस बेसिक स्ट्रेटेजिक एंड अप्लाइड रिसर्च रिलेटेड टू एनहांस्ड प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। एग्रीकल्चर और उसके संबंधित, उससे संबंध रखने वाले
क्षेत्रों में बेसिक इंप्रूवमेंट, लाइफ स्टॉक का हेल्थ हो गया, जैसे एग्रीकल्चर से अलाइड एक्टिविटीज कौन से थे भैया, डेयरी हो गई, पोल्ट्री हो गई। तो अगर डेयरी कोई करता है, पोल्ट्री करता है, तो उसका जो लाइफ स्टॉक है, उसके जो जानवर है, उसके जो मवेशी हैं, उनको बेहतर स्वास्थ्य मिले और एग्रीकल्चर की पैदावार ज्यादा हो, तभी तो भैया शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए ये काम कर रहे हैं। स्कॉस्ट जम्मू इज अ मल्टी कैंपस यूनिवर्सिटी विद इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड एट चट्ठा जम्मू। तो एक बहुपरिसर विश्वविद्यालय है जिसका मुख्यालय जो है वो जम्मू के चट्ठा में जो है वो स्थित है। तो स्कॉस्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, फिर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, केंद्रीय विश्वविद्यालय। इट इज फॉर्मली नोन एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले इसको जम्मू कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था, मगर इसको 2009 में इसको बनाया गया था। कुछ समय बाद जम्मू को अलग से केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी गई थी। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मार्च विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इन श्रीनगर। इन अगस्त 2010 इट्स ट्रांसिट कैंपस वॉज सेटअप एट सोनावर, सोनवार। तो भैया जी सोनवार में इसका ट्रांसिट कैंपस जो है वो बनाया गया था। उससे पहले ये हमारी कश्मीर के अंदर जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मौजूद थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। जम्मू का केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या है, द यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 8 अगस्त 2011 बाई द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत जम्मू के केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। इट्स हेड ऑफिस इज सिचुएटेड एट बागला राया सुचानी इन सांबा डिस्ट्रिक्ट। तो जम्मू के ही, जम्मू प्रोविंस के, जम्मू संभाग के सांबा जिले में एक जगह राया सुचानी करके आती है। तो राया सुचानी में इसका जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो स्थित है। इट्स कैंपस इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन द सेम प्लेस इन सांबा डिस्ट्रिक्ट। तो सांबा के उसी राया सुचानी में इसका मेन कैंपस जो है वो बनाया जा रहा है। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक और राजनीतिक व्यक्तित्व वाले लोगों के बारे में। तो भैया कौन है फेमस पर्सनैलिटीज जम्मू कश्मीर की, उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। जम्मू कश्मीर इज अ स्टेट वेयर नंबर ऑफ एमिनेंट पर्सनैलिटीज वर बॉर्न एंड दे हैव प्रूव्ड देयर स्प्लेंडर इन हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्व वाले लोगों ने जन्म लिया है और उन्होंने ऐतिहासिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी महिमा को साबित किया। देयर कॉन्ट्रीब्यूशन आर वैल्यूएबल टू द सोसाइटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड टू आर कंट्री इंडिया। तो उनका योगदान सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे पूरे समूचे भारत के लिए बहुत मूल्यवान है। फेमस हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध ऐतिहासिक हस्तियां कौन कौन सी हैं? सबसे प्रथम नाम जब आता है, जब जम्मू कश्मीर के इतिहास को डिस्कस करें, जो सबसे पहला नाम सुनने को मिलता है वो है कल्हाना। कल्हाना जो कि सबसे सर्वप्रथम इतिहासकार हुए हैं जम्मू कश्मीर के, कल्हाना जो है उनके बारे में बात करेंगे। द मोस्ट फेमस हिस्टोरियन एंड राइटर हु फ्लरिश्ड इन 12th सेंचुरी। तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक जो 12वीं शताब्दी में फले फूले, ही वॉज अ कश्मीरी ब्राह्मिन एंड वॉज बॉर्न इन परिहिसपुरा, नाउ परसपुर इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो एक कश्मीरी ब्राह्मिन जिनका जन्म कश्मीर के बारामूला जिले के परिहासपुर, जिसे अब परसपुर के नाम से जाना जाता है, वहां हुआ था। ही इज कंसीडर्ड एज द कश्मीर्स फर्स्ट हिस्टोरियन। दोस्तों अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है मेरे साथ में जम्मू कश्मीर की, तो ये जानते होंगे आप, जम्मू कश्मीर के सबसे पहले इतिहासकार के रूप में कल्हाना को जाना गया। ही वॉज द ऑथर ऑफ राज तरंगिनी रिवर ऑफ किंग्स, राज तरंगिनी राजाओं की नदी के लेखक जो है वो ये थे। इन्होंने कश्मीर के इतिहास को लिखा। कल्हाना स्टार्टेड टू राइट दिस काव्य कंपोजिशन इन 1148 BC एंड टुक 2 years टू कंप्लीट। तो 1150 ईस्वी में इनका जो ये लिखना है ये कंप्लीट हुआ। ही प्रेजेंटेड एन ऑथेंटिक पिक्चर ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ कश्मीर। इन्होंने कश्मीर की सामाजिक और राजनीतिक जीवन की एक प्रामाणिक तस्वीर पेश की। दोस्तों आज भी जम्मू कश्मीर के इतिहास का अगर कोई मोस्ट रिलायबल सोर्स माना जाता है तो वो कल्हाना द्वारा लिखी गई ये राज तरंगिनी है। तो ये है भैया कश्मीरी ब्राह्मिन कल्हाना, जिनको प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में भी जाना जाता है। इतिहास में अगर जाएं तो महाराजा गुलाब सिंह, अगेन अ वेरी फेमस नेम, महाराजा गुलाब सिंह जो है जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1792 में हुआ था इन अ डोगरा राजपूत फैमिली इन जम्मू। तो जम्मू की डोगरा राज परिवार में, राजपूत परिवार में हुआ था। ही इज द फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनेस्टी एंड फर्स्ट महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों अगर आपने मेरे साथ में हिस्ट्री पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि किस तरीके से पहले यहाँ पर मुगलों का शासन था, मुगलों के बाद यहाँ पे अफगान आए, अफगान के बाद यहाँ सिख साम्राज्य स्थापित हुआ। तो भैया जी उसके बाद डोगरा साम्राज्य की स्थापना हुई और यहाँ पे डोगरा डायनेस्टी जो है वो शुरू हुई। तो उस डोगरा डायनेस्टी को संस्थापक, उस डोगरा डायनेस्टी को फाउंड करने वाले थे महाराजा गुलाब सिंह। इट वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश शासन काल में ये दूसरा सबसे बड़ी रियासत थी। इट वॉज क्रिएटेड आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1846-40, 45-46 AD। तो
एंग्लो सिख वॉर के बाद ये स्टेट जो है, ये जम्मू कश्मीर के का स्टेट जो है वो महाराजा गुलाब सिंह के पास आया था। व्हेन ब्रिटिश सोल्ड द लैंड ऑफ कश्मीर टू गुलाब सिंह थ्रू ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो भैया एंग्लो सिख वॉर के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने जो है वो कमान संभाली थी जम्मू कश्मीर की, मगर उन्होंने जम्मू कश्मीर को अपने पास रखा नहीं, और अमृतसर की संधि के साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर जो है वो 75 लाख में महाराजा गुलाब सिंह को जो है वो बेच दिया था। इनका निधन 30 जून 1857 को हुआ था। तो महाराजा गुलाब सिंह का निधन जो है वो 30 जून को हो गया, 1857 30 जून को हुआ था। ये है महाराजा गुलाब सिंह, बहुत ही कुख्यात, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी जब बात आती है जम्मू कश्मीर की। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं जम्मू कश्मीर के। अब जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी प्रसिद्ध राजनीतिक हस्तियां हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है मेहर चंद महाजन। भैया ही वॉज बॉर्न इन 1889 इन टिक्का नगरोटा इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल के कांगड़ा जिले में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह एंड वॉज द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 1954 टू दिसंबर 1954। तो भैया जी जम्मू कश्मीर के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जब महाराजा हरि सिंह राजा थे, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तीसरे मुख्य न्यायाधीश बने थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के थर्ड चीफ जस्टिस ये बने थे 1954 से लेके दिसंबर 1954 तक रहे, जनवरी 1954 में ये जो है वो चीफ जस्टिस बने। ही प्लेड अ ग्रेट रोल इन एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया। तो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय जब होना था उसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ही वॉज द नॉमिनी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन रेड क्लिफ कमीशन। दोस्तों रेड क्लिफ कमीशन एक ऐसा कमीशन जो भारत और पाक की सीमाओं को निर्धारित करने आया था, परिभाषित करने आया था। उस आयोग में भारत के तरफ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये जो है वो प्रत्याशी। प्रायर टू होल्ड द पोजीशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही सर्व्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले मेहर चंद महाजन जो है वो स्वतंत्र भारत की सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीशों में से एक थे। 1967 में इनका निधन जो है वो हो गया। ये है भैया श्री मेहर चंद महाजन, जस्टिस मेहर चंद महाजन। तो जम्मू कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री जब महाराजा हरि सिंह राजा थे, और साथ ही साथ भारत की सर्वोच्च न्यायालय के तीसरे मुख्य न्यायाधीश। फिर आते हैं महाराजा हरि सिंह। 23 सितंबर 1895 को इनका जन्म हुआ था। अगेन हिंदू कछवाहा कास्ट में, राजपूत कम्युनिटी में। ही वॉज द लास्ट महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। वो जम्मू कश्मीर का डोगरा साम्राज्य जिसकी शुरुआत की थी महाराजा गुलाब सिंह ने, उस साम्राज्य के अंतिम राजा जो है वो महाराजा हरि सिंह थे। इन्होंने राजगद्दी संभाली थी 1925 में जब इनके चाचा श्री प्रताप सिंह का निधन हो गया था। तो दोस्तों महाराजा गुलाब सिंह के बाद महाराजा रणबीर सिंह आए, महाराजा रणबीर सिंह के बाद महाराजा प्रताप सिंह आए, और महाराजा प्रताप सिंह के बाद महाराजा हरि सिंह आए। ठीक है जी। ही ब्रॉट मेनी रिफॉर्म्स इन द स्टेट लाइक मेकिंग प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया, इंट्रोड्यूस लॉज प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज एंड अलाउड पीपल ऑफ लो कॉस्ट टू प्लेस ऑफ वर्शिप। तो भैया जी इन्होंने काफी ज्यादा समाज सुधार के काम किए। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया, बाल विवाह पर रोक लगाई, और साथ ही साथ निचली जातियों को पूजा के स्थलों पर जाने की अनुमति दे दी। 26 अक्टूबर 1947 को इन्होंने विलय की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन किया था, एंड आफ्टर विच प्रिंसली स्टेट वेंट टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बन गया था। ही डाइड ऑन 26 अप्रैल 1961, 26 अप्रैल 1961 को इनका निधन जो है वो हो गया। ये है महाराजा हरि सिंह। तो अगेन बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। उसके बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर में राजनीतिक व्यक्तित्व के एक बहुत बड़े बहुत धनी व्यक्ति शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, 1905 में जम्मू कश्मीर श्रीनगर में इनका जो है वो जन्म हुआ। इन्हें शेरे कश्मीर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इन्होंने ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो है वो स्थापना करी 1932 में। 1932 में इन्होंने ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना करी। बाद में 7 साल बाद 1939 में, 1939 में इनकी पार्टी का नाम बदल करके जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। ही बिकेम द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर आफ्टर द एक्सेशन टू इंडिया। तो जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हो गया उसके बाद ये जम्मू कश्मीर के दूसरे प्रधानमंत्री जो है वो बने। इन 1974 ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1975 टू 1982। तो करीब 6 साल तक ये जो है वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में रहे। 8 सितंबर 1982 को 1982 में इनकी डेथ जो है वो हो गई। तो ये है श्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। दोस्तों ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इन्होंने ही जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो स्थापना करी थी। यही जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं उनके ये पिता हैं। तो ये फारूक अब्दुल्ला
उनके सुपुत्र उमर अब्दुल्ला, और ये उमर अब्दुल्ला जी के जो है वो दादा थे श्री शेख अब्दुल्ला। ठीक है जी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बख्शी गुलाम मोहम्मद, जिनका जन्म 1907 में जम्मू कश्मीर में हुआ था। ही वॉज अ पॉलिटिशियन हु बिलोंग टू जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से संबंध रखते थे बख्शी गुलाम मोहम्मद। उस समय ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे जब शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर थे स्टेट के। जब जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला, उस समय ये उप प्रधानमंत्री थे। बट व्हेन शेख अब्दुल्ला वाज अरेस्टेड एंड डिसमिस्ड, शेख अब्दुल्ला जी को जो है बर्खास्त किया गया था कुछ समय के लिए, तो बख्शी गुलाम मोहम्मद जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे जम्मू कश्मीर के, और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी बने थे। ही रिमेन्ड ऑन द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर पीरियड ऑफ 11 इयर्स फ्रॉम 1953 टू 1964। 1953 से लेकर 1964, 11 वर्ष तक ये जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री जो है वो रहे। ड्यू टू हिज गुड एडमिनिस्ट्रेशन ही इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर। अगेन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर पूछा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा शेख सॉरी बख्शी गुलाम मोहम्मद जो है वो जम्मू कश्मीर के वास्तुकार, आधुनिक कश्मीर के वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये थे भैया श्री बख्शी गुलाम मोहम्मद। ठीक है जी। उसके बाद डॉक्टर करण सिंह, अगेन अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी। ही वॉज बॉर्न इन 1931 इन कैनिस सिटी इन फ्रांस। डॉक्टर करण सिंह का जन्म जो है वो फ्रांस में हुआ था। ही इज अ पॉलिटिशियन, फिलंथ्रोपिस्ट एंड पोएट। ही इज द सन ऑफ महाराजा हरि सिंह, द लास्ट रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। डोगरा साम्राज्य के, मैंने आपको बताया सबसे पहले महाराजा हरि सिंह, महाराजा सॉरी महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा हरि सिंह और उनके सुपुत्र डॉक्टर करण सिंह। तो डोगरा साम्राज्य की पांचवी पीढ़ी के युवराज डॉक्टर करण सिंह जो है वो रहे। ही इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा फॉर एनसीटी। ये राज्यसभा में नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली से जो है वो राज्यसभा के सांसद है। फ्रॉम 1965 टू 67 ही सर्व्ड एज द रीजेंट, द फर्स्ट सदरे रियासत एंड गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। तो 1965 से 67 तक ये जम्मू कश्मीर के सदरे रियासत रहे, और 1967 में ये केंद्र में सबसे कम उम्र के केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य बने, सबसे कम उम्र के मिनिस्टर बने। ठीक है जी। He also remained an Indian ambassador to USA from 1989 to 1990. एक साल के लिए ये US में अमेरिका के लिए भारत के राजदूत के रूप में भी रहे। He was also on the post of Chancellor of many universities like बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे आज IIT वाराणसी के नाम से जाना जाता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ये कुलपति रहे, चांसलर रहे। जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे। In 2005 he was honored by Padma Vibhushan. 2005 में इनको पद्म विभूषण से जो है वो सम्मानित किया गया। ये हैं डॉक्टर करण सिंह, जो कि डोगरा साम्राज्य से संबंध जो है वो रखते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगेन एक बहुत ही कुख्यात पर्सनैलिटी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक क्षेत्र से, श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद। तो जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1936 को बिजबेहरा, अनंतनाग के बिजबेहरा में हुआ था। ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ट्वाइस। दो बार ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, 2002 से 2005 तक और 2015 से 2016। ठीक है जी। इन्होंने ही ऑल्सो सर्व एज होम मिनिस्टर इन इंडिया फ्रॉम 1989 टू 1990। शायद आपने सुना होगा भैया, जब ये गृह मंत्री थे भारत के, उस समय इनकी एक सुपुत्री का जो है वो अगवा कर लिया गया था कुछ आतंकवादियों द्वारा। 1999 में इन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर PDP की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, PDP। 7 जनवरी 2016 को इनका निधन जो है हो गया था। 2016 में इनकी डेथ हो गई थी, इनका निधन जो है वो हो गया था। ये है जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद। ठीक है जी। पीडीपी के संस्थापक, पीडीपी का की जो है शुरुआत करने वाले। उसके बाद आते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। दोस्तों जिन डॉक्टर श्री शेख अब्दुल्ला जी की हम बात कर रहे थे, उनके सुपुत्र डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। 21 अक्टूबर 1937 को इनका जन्म हुआ श्रीनगर के सौरा में। ये शेख अब्दुल्ला जी के सुपुत्र और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे उमर अब्दुल्ला जी के पिता हैं। ही रिमेन्ड ऑन द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर मेनी टाइम्स सिंस 1982। 1982 से ये कई दफा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। इन 1981 ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पॉलिटिकल पार्टी ऑफ जम्मू कश्मीर, जिसको शेख अब्दुल्ला ने बनाया था। तो शेख अब्दुल्ला के सुपुत्र जो है वो इस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है वो अध्यक्ष रहे, साथ ही साथ कई बार ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी जो है वो रहे। ही बिकेम कैबिनेट मिनिस्टर इन मनमोहन सिंह मिनिस्ट्री फ्रॉम 2009 टू 2014, जिसको हम यूपीए 2 के नाम से जानते हैं। जब दूसरी बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है वो बने थे, उस समय ये केंद्रीय मंत्री जो है वो कैबिनेट में रहे थे, केंद्र में रहे थे। ये हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आपके साथ। ठीक है जी। गुलाम नबी आजाद, अगेन दोस्तों एक बहुत ही कुख्यात शख्सियत है भारत की राजनीति की और जम्मू कश्मीर की राजनीति। श्री गुलाम नबी आजाद, बॉर्न ऑन 7th मार्च 1949, इज एन इंडियन पॉलिटिशियन ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, हु वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये काफी सीनियर मेंबर हैं और 7वें मुख्यमंत्री बने थे जम्मू कश्मीर के 2005 से 2008 तक। उसके साथ ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के साथ केंद्र में हेल्थ मिनिस्टर भी जो है वो रहे। ही सर्व्ड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा अंटिल 2021 फरवरी। तो 2021 फरवरी तक ये राज्यसभा के मेंबर भी जो है राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष के नेता के रूप में भी इन्होंने काम किया है। ही सर्व्ड एज द पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया इन द गवर्नमेंट ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह अंटिल 27 अक्टूबर 2005 व्हेन ही वाज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू। तो पहले ये पार्लियामेंट्री संसदीय कार्य मंत्री रहे मनमोहन सिंह सरकार में, लेकिन उसके बाद 2005 में इनको जब मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया जम्मू कश्मीर का, तब इन्होंने फिर उस पद से इस्तीफा दे दिया। ही ऑल्सो लेड द पार्टी सक्सेसफुली इन 2002 असेंबली इलेक्शंस इन जम्मू कश्मीर। तो चाहे जम्मू कश्मीर की राजनीति हो चाहे भारत की राजनीति हो, गुलाम नबी आजाद एक बहुत ही कुख्यात चेहरा है, एक बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत जो है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित। आती है महबूबा मुफ्ती। तो मैडम महबूबा मुफ्ती, इनका जन्म बिजबेरा अनंतनाग में हुआ था, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट रही और मुफ्ती मोहम्मद सईद की सुपुत्री है। शी बिकेम दी फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर इन 2016। 2016 में ये जम्मू कश्मीर की सबसे पहली मुख्यमंत्री बनी और 2018 तक उस पद पर रही। ये है जनाब मैडम महबूबा मुफ्ती, जो कि जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद की सुपुत्री हैं, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री भी रही हैं और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट भी। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं श्री उमर अब्दुल्ला। बॉर्न ऑन 10 मार्च 1917 रॉचफोर्ड टाउन इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के रॉचफोर्ड शहर में इनका जन्म हुआ था। ही इज पॉलिटिशियन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड सन ऑफ फारूक अब्दुल्ला। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के सुपुत्र और श्री शेख अब्दुल्ला के पोते जनाब उमर अब्दुल्ला। 2001 से 2002 में ही रिमेंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स इन अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए गवर्नमेंट। तो 2001 से 2002 तक एनडीए सरकार में विदेश राज्य मंत्री के रूप में श्री उमर अब्दुल्ला जो है वो रहे थे। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 2002। पहली दफा 2002 में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो पार्टी जो इनके दादा श्री शेख अब्दुल्ला ने बनाई थी, उसके प्रेसिडेंट बने। 2006 में दोबारा से इनको पार्टी का प्रेसिडेंट जो है बनाया गया था और ही वॉज अपॉइंटेड एज द 11th एंड द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर फ्रॉम 2009 टू 2015। 2009 से 2015 तक ये जम्मू कश्मीर के 11वें और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री जो है वो नियुक्त हुए थे। तो ये है भैया जी जनाब उमर अब्दुल्ला। तो भैया जनाब उमर अब्दुल्ला, मैडम महबूबा मुफ्ती, श्री गुलाम नबी आजाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, शेख अब्दुल्ला, डॉक्टर करण सिंह, महाराजा हरि सिंह, ये सब कुछ कुख्यात पर्सनैलिटीज हैं। तो भैया जी शेड्यूल ट्राइब्स एंड ट्राइबल पॉपुलेशन, कौन कौन से शेड्यूल ट्राइब्स है जम्मू कश्मीर के अंदर और क्या क्या कितनी उनकी जो है वो जनसंख्या, इसके बारे में हम बात करें। जम्मू कश्मीर इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज वेरियस ट्राइबल ग्रुप्स इन द स्टेट। तो जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी राज्य और एक ऐसा राज्य जहां पे विभिन्न आदिवासी समूह जो है वो शामिल है। ऑल द थ्री रीजन दैट इज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हैव कंसिडरेबल ट्राइबल लॉ। तीनों ही क्षेत्र यानी कि जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, यहाँ तीनों ही जगह काफी ज्यादा जनजातियां जो है, जनजाति आबादी जो है वो मौजूद। आर्टिकल 366 क्लॉज 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज दोज कम्युनिटीज हु आर शेड्यूल्ड इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के अनुसार अनुसूचित जातियां वो हैं जिनको भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जो है वो सूचित किया गया है। एज पर द लोकुर कमेटी एंड सेंसस 1931, अ कम्युनिटी कैन बी आइडेंटिफाइड एट शेड्यूल ट्राइब्स बाय द करेक्टरिस्टिक्स सच एज इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, शाइनेस ऑफ कॉन्टेक्ट विद कम्युनिटी एट लार्ज, बैकवर्डनेस एंड डिस्ट्रिक्टिव कल्चर। लोकर समिति और 1931 की जनगणना के अनुसार यदि कोई भी समुदाय जो है वो उसके अंदर आदिम लक्षणों के संकेत हों, जैसे जैसे कि वो भौगोलिक अलगाव, ज्योग्राफिकली भूगोलिक तरीके से वो थोड़ा अलग रहते हो, बड़े पैमाने पर किसी भी समुदाय के साथ संपर्क करने में शर्म, शाइनेस, नहीं उनको अच्छा लगता ज्यादा लोगों के साथ संपर्क में रहना, कॉन्टेक्ट करना, या फिर उनके अंदर पिछड़ा पन हो या फिर विशिष्ट उनकी संस्कृति हो, अगर किसी भी समुदाय के अंदर ये सारे के सारे जिनको हम कहते हैं लक्षण है, तो भैया उनको लोकुर समिति और 1931 की जनगणना के अनुसार शेड्यूल ट्राइब या फिर अनुसूचित जनजाति के रूप में जो है वो जाना जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन सी अनुसूचित जनजातियां हैं उनको हम देख लेते हैं। तो शेड्यूल ट्राइब्स इन जम्मू एंड कश्मीर, भैया 2011 की जनगणना के अनुसार शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इन जम्मू कश्मीर वॉज 14,93,499। तो करीब 14,93,299 की आबादी थी अनुसूचित जनजातियों की, जो कि राज्य की पूरी जनसंख्या के करीब करीब 12%
तो जम्मू कश्मीर स्टेट की 12% पॉपुलेशन जो है वो हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आती है, ठीक है जी। द मेल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इज अबाउट 51.98% एंड द फीमेल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इज अराउंड 48.01%। तो 91.98, 52, 51.98 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 52% आबादी जो है वो इन जनजातियों में पुरुष है और 48% जनसंख्या जो है वो महिलाओं की। हाईएस्ट एंड लोएस्ट एसटी पॉपुलेशन इन द स्टेट, सबसे ज्यादा आबादी किस एसटी कम्युनिटी की और सबसे कम आबादी किसकी। द हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इज फाउंड इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियां अगर देखी जाए तो भैया वो सबसे ज्यादा मौजूद है कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, 86.89%। उसके बाद है ले में, फिर आती है पुंछ में, फिर राजौरी में, फिर रियासी में। ये सारी की सारी डिटेल हमको 2011 के सेंसस 2011 की जनगणना देती है। तो भैया करीब 87% सबसे हाईएस्ट कारगिल डिस्ट्रिक्ट में है शेड्यूल ट्राइब्स, उसके बाद 72% ले में है, 37% पुंछ में है, राजौरी में 37% है और रियासी में 29% है। ये 2011 की जनगणना बताती है। और लीस्ट एसटी पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं, सबसे कम पॉपुलेशन है श्रीनगर के अंदर, ठीक है जी। आउट ऑफ द टोटल एसटी पॉपुलेशन 88.4% पॉपुलेशन इज फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, 6.8% फ्रॉम बुद्धिस्ट कम्युनिटी एंड 4.5% शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इज फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी। तो 88% जो जनजातियां हैं वो मुस्लिम समुदाय से संबंध रखती हैं, करीब 7% जो है वो बुद्धिस्ट समुदाय से और करीब 4.5% जो है वो हिंदू समाज से जो है वो संबंध रखने वाली अनुसूचित जनजाति है। कौन कौन सी है मेजर शेड्यूल ट्राइब्स जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की प्रमुख अनुसूचित जनजातियों की अगर हम बात करें, सबसे पहले आते हैं गुज्जर। गुज्जर कम्युनिटी दोस्तों ये बहुत ही बड़ा ट्राइब है, बहुत ही बड़ा एक जनजातीय समूह है, द लार्जेस्ट ट्राइब इन जम्मू एंड कश्मीर। दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट कारगिल एंड लेह। तो लद्दाख क्षेत्र के कारगिल और लेह को छोड़कर के बाकी सब जगहों पर गुज्जर समुदाय की मौजूदगी जो है वो आपको दिखेगी। द पीपल ऑफ ट्राइब रिजाइड इन राजौरी, रियासी, जम्मू, पुंछ, उधमपुर, कठुआ, डोडा डिस्ट्रिक्ट्स। तो भैया जी जितने भी मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जम्मू हो गया, कठुआ, रियासी, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, डोडा, सांबा, यहां सभी में आपको गुज्जर समुदाय की मौजूदगी दिखेगी। दे मेनली रिसाइड ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स ऑफ कश्मीर वैलीज। तो ये ज्यादातर जो है वो कश्मीर घाटी के पहाड़ों की जो पहाड़ है उनके आसपास रहते हैं, जैसे कि उड़ी, अनंतनाग, बड़गाम, पुलवामा, कुपवाड़ा, बारामूला, गांदरबल, कंगन, दक्सम, कुलगाम, पहलगाम, ये सारी जगहों पर ज्यादातर ये गुज्जर समुदाय जो है वो मिलते हैं। दे स्पीक गोजरी लैंग्वेज। तो गुज्जर भाषा की, गुज्जर लोगों की जो प्रमुख भाषा है वो गोजरी भाषा है। इट इज बिलीव दैट दिस ट्राइब माइग्रेटेड टू स्टेट फ्रॉम गुजरात। ऐसा माना जाता है कि भैया ये लोग गुजरात से यहाँ आए थे। दीज ट्राइबल पीपल आर डिवाइडेड इंटू क्लास कल्टिवेटर्स लाइक द दोधी गुज्जर एंड बकरवाली गुज्जर। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो गुज्जर समुदाय है ये दो हिस्सों में विभाजित है। एक है दोधी गुज्जर, यानी जो दूध का काम करते हैं। भैया जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा अगर दूध प्रोवाइड किया जाता है तो वो दूध के सप्लायर्स ये दूधी गुज्जर ही हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी दूध जो है वो बिकता है, चाहे वो दुकानों पे हो चाहे लोगों के घरों में हो, तो मेजॉरिटी ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इन दूधी गुज्जरों द्वारा जो है वो की जाती है। और दूसरे होते हैं बकरवाल। बकरवाल शब्द बकरी से आता है भैया, भेड़ों और बकरियों की को चराने वाले, भेड़ों और बकरियों की रेयरिंग करने वाले गुज्जर जो है वो बकरवाली गुज्जर के नाम से जाने जाते हैं। कुछ इस तरीके से दोस्तों ये लोग भी जो है वो ट्रांसह्यूमेंस की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। ये गर्मियों में जो है वो निचले इलाकों में, सॉरी गर्मियों में ऊंचे पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं, सर्दियों में निचले इलाकों में आ जाते हैं। इस तरीके का इनका पहनावा और वेशभूषा रहती है। ज्यादातर ये जानवरों के साथ ही जो है वो घूमते हैं। इनका मेजर जो लाइवलीहुड है वो आता है दूध बेच करके या भेड़ों और बकरियों को चरा करके, ठीक है जी। गुजर के बाद दूसरा समुदाय है बकरवाल, सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब इन जम्मू एंड कश्मीर, पहला गुजर, दूसरा बकरवाल। बकरवाल और बकरवाल इज अ नोमैडिक ट्राइब विच रिजाइड इन द पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में पीर पंजाल श्रेणी में निवास करने वाला ये बकरवाल या बकरवाल जो है ये एक नोमैडिक ट्राइब खाना बदोश जन्म जाती है। नोमैडिक ट्राइब क्या होता है भैया, एक जगह नहीं रुकते हैं, आज यहाँ है कल कहीं और चले जाएंगे। द वर्ड बकरवाल इज डिराइव फ्रॉम इंडो आर्यन लैंग्वेजेस वेयर द बकर और बकरी मीन्स गोट और शीप एंड वाल मीन्स वन हु टेक्स केयर ऑफ इट। तो भैया जी बकरवाल शब्द जो है वो इस किस शब्द से बना है, वो इंडो आर्यन भाषा का शब्द है। बकर जो शब्द है वो बकरी से आया है और वाल जो है बकरी का बकरी की देखभाल करने वाला बकरवाल कहलाता है, ठीक है जी। द नेम बकरवाल इज यूज्ड फॉर हाई एल्टीट्यूड गोट, गोट हर्ड्स और शेफर्ड्स।
बकरवाल ट्राइब्स आर फाउंड इन ऑल थ्री रीजन ऑफ स्टेट, तो चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो या लद्दाख हो, तीनों ही क्षेत्रों में ये बकरवाल जो है वो मिलते हैं। इन जम्मू रीजन इट इज फाउंड इन जम्मू, कठुआ, उधमपुर, पुंछ एंड राजौरी। तो जम्मू जिले में ये, जम्मू संभाग में ये कठुआ, उधमपुर, जम्मू, पुंछ, राजौरी जिले में पाए जाते हैं। कश्मीर घाटी के अंदर ये श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा, बड़गाम और अनंतनाग में पाए जाते हैं। और लद्दाख क्षेत्र में लेह और कारगिल में ये बकरवाल समुदाय जो है वो पाया जाता है। बकरवाल्स आर मेनली गोथर्ड्स एंड शीफर्ड्स, यानी कि ये मुख्य रूप से चरवाहे हैं और ज्यादातर ये गोजरी भाषा का ही जो है वो प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। एज द पीपल ऑफ दिस ट्राइब आर मेनली नोमैडिक, दे ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क एंड पास्टोरल लैंड फॉर देयर लाइफ स्टॉक एंड मोस्टली लिव इन टेम्पररी सेटलमेंट। भैया जैसे कि ये जनजातियां मैंने आपको बताया, ये खानाबदोश होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो इसलिए ये बार बार अपने पशुओं को चराने के लिए उनके लिए चार गाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और ये अस्थायी बस्तियों में, टेम्पररी शेल्टर्स में रहते हैं, टेंट लगा करके रहेंगे, फिर वहां से चले जाएंगे। द ट्राइब इज मेनली डिपेंडेंट ऑन रेयरिंग ऑफ देयर कैटल एंड देयर प्रोडक्ट्स। ये जनजातियां मैंने आपको बताया मुख्य रूप से अपने मवेशियों का पालन पोषण करके उनसे जो उत्पाद इनको मिलते हैं उनको बेच करके अपना गुजारा करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं ये बकरवाल समुदाय के लोग। देख सकते हैं भैया इनके साथ कितनी सारी बकरियां मौजूद है। तो पहला सबसे बड़ा समुदाय गुजर का है, दूसरा बकरवाल का है, फिर आता है बोटो। अब ये बोटो क्या है भैया? थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ जम्मू कश्मीर। तो भैया पहला गुजर, दूसरा बकरवाल, तीसरा आ गया बोटो, थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है जम्मू कश्मीर का। ठीक है जी। ये वो लोग हैं जो एथिनिकली तिब्बतियन जो है वो लोगों से जुड़े हुए हैं। द पीपल ऑफ दिस ट्राइब आर एथिनिकली एंड लिंग्विस्टिकली रिलेटेड टू तिब्बतियन पीपल। तो जातीय और भाषीय रूप में ये तिब्बत के लोगों से संबंध रखते हैं। द ट्राइब इज मेनली फाउंड इन लद्दाख रीजन, ज्यादातर ये लद्दाख क्षेत्र में मिलेंगे। दिस इज द मोस्टली फाउंड इन ले एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट। ये लोग ज्यादातर ले और कारगिल क्षेत्र में पाए जाते हैं। अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस आर डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर रीजन। तो ये जो बोटो है ये लद्दाख के अलावा जम्मू के डोडा जिले में और कश्मीर के बारामूला जिले में पाए जाते हैं। ये लद्दाखी भाषा का प्रयोग करते हैं, दे स्पीक लद्दाखी लैंग्वेज। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस ट्राइब इज एग्रीकल्चर। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। दे मेनली ग्रो बार्ले, वीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर देयर लिविंग। ये अपना जीवन पालन करने के लिए जौ, गेहूं, फल, सब्जियां आदि जो है वो उगाते हैं। बोटो के बाद आता है बाल्टी, फोर्थ लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ जम्मू कश्मीर। द पीपल ऑफ दिस ट्राइब आर एथनिकली और लिंग्विस्टिकली रिलेटेड टू तिब्बतियन पीपल एंड दार्दिक पीपल। द ट्राइब इज मेनली फाउंड इन ले एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट। बाल्टी ट्राइब जो है ये चौथा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। अगर हम एथनिकली और लिंग्विस्टिकली बात करें तो ये लोग जो है वो दार्दिक भाषा बोलने वाले लोगों से संबंध जो है वो रखते हैं, तिब्बतियन भाषा बोलने वाले लोगों से संबंध रखते हैं। इनकी भाषा जो है वो बाल्टी है। It is believed that this tribe migrated to straight from Baltistan during the reign of Jamyang Namgyal. Baltistan से ऐसा माना गया है कि भैया ये लोग 17वीं शताब्दी में Baltistan से आए थे जब यहाँ पर Jamyang Namgyal का राज था। The culture is influenced by Ladakhi and Islamic rituals. इनकी संस्कृति लद्दाखी और इस्लामिक रीति रिवाजों से प्रभावित है। It is believed that wife of Jamyang Namgyal was also a Balti princess. People of Balti tribe also reside in Chushot village of Leh district and considered as champions of polo game. तो भैया जी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हो सकता है कौन सा ट्राइब जो है वो पोलो गेम खेलता है। तो बाल्टी ट्राइब जो है, बाल्टी ट्राइब के, बाल्टी जनजाति के लोग जो है उनको पोलो में माहिर माना जाता है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस ट्राइब इज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो इसका मुख्य व्यवसाय कृषि है और पशुपालन है। फिर आता है ब्रोकपा ट्राइब। अभी ब्रोकपा ट्राइब कौन सा है? ब्रोकपा, द्रोपका, दर्द एंड शिनॉन फॉर्म द ग्रुप ऑफ ट्राइब्स इन जम्मू एंड कश्मीर विच इज कंसीडर्ड एज प्योर आर्यन रेस, शुद्ध आर्य नस्ल, शुद्ध आर्य जाति के माने जाते हैं ये ब्रोकपा, द्रोपका, दर्द, शिन ट्राइब जो है। दे आर मेनली फाउंड इन कारगिल एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट। तो कारगिल और बारामूला जिले में मिलते हैं। देयर मेन ऑक्यूपेशन आर एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। पशुपालन हो गया, कृषि हो गई और उससे संबंधित व्यवसाय ये लोग करते हैं। शीना और बाल्टी भाषा का प्रयोग करते हैं। शीना, बाल्टी और दार्दिक लैंग्वेज, दर्दी भाषा का प्रयोग करते हैं ये हमारे ब्रोकपा ट्राइब्स। ठीक है जी, कुछ इस तरीके के दिखते हैं ये ब्रोकपा ट्राइब्स। ब्रोकपा ट्राइब्स के बाद आते हैं गद्दी। गद्दी सुना होगा आपने। दे These tribes live in mainly the states of Himachal and Jammu and Kashmir. तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ये पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के वो जिले जो बॉर्डर पे हिमाचल के साथ सटे हुए हैं वहां पर ये गद्दी ट्राइब जो है वो मिलते हैं। इन जम्मू एंड कश्मीर गद्दीज मेनली रिसाइड इन उधमपुर, कठुआ एंड डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से ये उधमपुर, कठुआ और डोडा जिले में पाए जाते हैं। गद्दी भाषा बोलते हैं। ओल्ड पीपल यूज द टंकरी स्क्रिप्ट। ये लोग टंकरी भाषा का प्रयोग करते हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं गद्दी समुदाय के वो टंकरी भाषा का प्रयोग करते हैं।
मेजोरिटी ऑफ द गद्दीज आर लैंड ओनर्स एंड प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एज देयर प्राइमरी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अधिकांश गद्दी लोग जो है वो जमींदार है भैया, जमीनें उनके पास है और अपनी आजीविका के प्राथमिक साधन के रूप में कृषि का अभ्यास जो है वो करते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ गद्दी ट्राइब इज शेफर्डिंग, दैट इज रेयरिंग एंड सेलिंग शीप, गोट्स, म्यूल्स एंड हॉर्सेस। तो भैया बकरी, भेड़, घोड़ा, खच्चर आदि का पालन पोषण और उनको बेच करके ये गद्दी समुदाय अपना काम, परिवार का गुजारा जो है वो करता है। दे ऑल्सो प्रैक्टिस फार्मिंग, वीविंग एटसेट्रा। तो ये खेती, बुनाई आदि का काम करते हैं। गर्मी के समय में ये ऊंचे पहाड़ों पे, हायर रीचेस पे चले जाते हैं और सर्दियों में नीचे आ जाते हैं। क्यों? गर्मी में ऊंचे पहाड़ों पे मौसम अच्छा होता है और सर्दी में वहां बहुत ज्यादा सर्दी होती है, इसलिए वो नीचे प्लेन एरियाज में आ जाते हैं। गद्दी के बाद एक और है पुरिगपा। पुरिगपा जो है वो भैया ट्राइबल ग्रुप है जम्मू कश्मीर का, ज्यादातर कारगिल और लेह जिले में पाया जाता है। द सुरू रिवर वैली ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट अर्लियर नोन एज पुरिग एंड द पीपल ऑफ बाल्टी ट्राइब ऑफ कारगिल हैव टेकन द नेम एज पुरिगपा। कारगिल में सुरु नदी के किनारे पर जो लोग रहते थे उस इलाके को पुरिक के नाम से ज्यादा जाना जाता था और वहां पर बाल्टी ट्राइब के, बाल्टी जनजाति के, बाल्टी समुदाय के जो लोग थे उन्होंने अपना नाम जो है वो पुरिकपा रख लिया था, उसी से ये पुरिकपा ट्राइब जो है वो बना है। ठीक है जी। दे स्पीक डायलेक्ट विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लद्दाखी एंड बाल्टी लैंग्वेज। तो भैया रहने वाले लद्दाख के बाल्टी समुदाय से संबंध रखते थे तो इनकी भाषा जो है वो लद्दाखी और बाल्टी का मिक्स हो गया। इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ परिकपा ट्राइब इज एग्रीकल्चर वेयर पीपल ग्रो बार्ले, पीज एंड वीट। तो भैया जी एग्रीकल्चर हो गया जहां पर मटर, गेहूं आदि उगाया जाता है, जौ उगाया जाता है, ये परिकपा का मेजर ऑक्यूपेशन है। फिर है दोस्तों चांगपा। चांगपा सुना होगा आपने, इट इज द ट्राइबल ग्रुप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच बिलोंग्स टू मंगोलाइट एथनिक ग्रुप, मंगोलाइट जातीय समूह से संबंध रखने वाला ट्राइबल ग्रुप। द ट्राइब इज मेनली फाउंड इन चांगथांग प्लेट्यू ऑफ लद्दाख रीजन। तो लद्दाख के चांगथांग पठार पर यह जनजाति पाई जाती है। ले एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट आर द इंपॉर्टेंट प्लेसेज वेयर दीज पीपल आर फाउंड। ले और कारगिल जिले महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर ये लोग अधिकतर पाए जाते हैं। दे स्पीक चगस्थाक, अ डायलेक्ट ऑफ तिब्बत। तो तिब्बत भाषा की एक बोली चगखत की का प्रयोग ये लोग जो है वो करते हैं। दीज पीपल आर हाई एल्टीट्यूड पेस्ट्रोलिस्ट हु रेज याक्स एंड गुड्स। ऊंची इलाकों में, ऊंचाई वाले इलाकों में चारवाहे होते हैं ये याक। याक आप जानते हैं जो हमारे हिली एरियाज है जम्मू कश्मीर के, वहां पाया जाता है। तो याक और बकरियों को पालते हैं। दे ऑल्सो प्रोड्यूस पश्मीना वूल, पश्मीना का ऊन जो जिससे पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं। तो वो पश्मीना वाली जो चुरू गोट है वो उसका रेयरिंग जो है ये चांगथांग जो हमारे ये जो चांगपा समुदाय के लोग हैं ये करते हैं। नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ चांगपा इज नोन एज फाल्पा। पीपल लिविंग इन हेनले वैली आर नोन एज फांगपा। तो भैया जी चांगपा के साथ ही मिलते जुलते हैं फाल्पा और इन्हीं के साथ में मिलते हैं फांगपा। तो कुछ इस तरीके के दिखते हैं ये चांगपा समुदाय के लोग। फिर आता है बीदा। बीदा क्या है? अ स्मॉलर ट्राइबल ग्रुप ऑफ जम्मू कश्मीर विच बिलोंग्स टू लोअर स्ट्रेटा ऑफ लद्दाखी सोसाइटी। तो लद्दाखी समाज में इनको निचले स्तर तबके का जो है वो माना जाता है। द टर्म बेदा इज अ तिब्बतियन वर्ड विच वेयर बी रेफर्स टू सेपरेट एंड दा मीन्स रिजाइड। तो भैया जी ऐसे लोग जिनको कहा गया अलग जाकर के रहिए, दे आर मेनली रिजाइडिंग इन ले डिस्ट्रिक्ट, उनको बीदा के नाम से जाना जाता है। तिब्बतियन शब्द बीदा का मतलब है अलग रहिए। तो भैया जी ये निचले तबके के लोग माने जाते हैं और इनको अलग रहने को कहा जाता है। ज्यादातर लेह जिले में रहते हैं। इट इज बिलीव दैट बेदास केम फ्रॉम लाहौल। तो हिमाचल के लाहौल से आए थे आफ्टर द मौन ट्राइब्स। बहुत समय बाद जब मौन ट्राइब्स आए, बेदास आर बोथ पाइपर्स एंड एग्रीकल्चरिस्ट। तो किसानी का काम करते हैं ये। All Muslim musicians of Leh are Bedas. तो Leh के जितने भी मुस्लिम संगीतकार हैं, वो सब बेदा समुदाय के लोग हैं। Muslim Bedas have permanent homes and have some land, while Buddhist Bedas are wandering minstrel who earn their living by playing music only. तो भैया जी ये जो मुस्लिम बेदास हैं और बुद्धिस्ट बेदास जो है ये लोग गाना बजा करके, गा बजा करके अपना पेट पालते हैं। जो मुस्लिम बेदास हैं उनके पास पक्के घर हैं, उनके पास जमीन है, वो एक ही जगह पे रहते हैं। बल्कि जो बोध बेड़ा है, बुद्धिस्ट बेड़ाज है, वो उनका कोई एक जगह पर रहने का स्थान नहीं होता। वो बार बार अपनी जगह बदलते हैं और गा करके अपना गुजारा जो है। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर।